वाहन में सुरक्षा और वाहन चालक में यातायात नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के साथ साथ सड़कों का डिजाइन भी दुर्घटना होने का एक मुख्य कारण है। रतनगढ़ शहर से अजमेर मार्ग पर 20 किलोमीटर दूर पड़ियारा गांव के बाहर रेलवे गेट के दोनों तरफ की सड़क अप्रायोगिक सड़क का एक उदाहरण है। रेलवे गेट के दोनों तरफ सड़क में तेज घुमाव होने के कारण दूर से आता वाहन चालक इस घुमाव के अनुरूप अपने वाहन को नहीं मोड़ पाता और वाहन फिसलता हुआ सड़क की दूसरी तरफ पलट जाता है। वाहन चालक के लिए सड़क के किनारे संकेतक बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन सही जगह पर नहीं लगे और उनमें से कुछ तो काफी पुराने हो गए हैं और क्षतिग्रस्त भी हैं, जिस कारण उनको समझने में वाहन चालक को काफी परेशानी होती है। स्पीड ब्रेकर छोटा होने की वजह से वाहन की गति कम करने में ज्यादा कारगर नहीं है। इस जगह पर साल भर में औसतन 8 से 10 दुर्घटनाएं हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए अगर सड़क के घुमाव पर संकेतक और गार्ड रेलिंग बना दी जाए और इसके साथ ही घुमाव से कुछ दूर पहले बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए तो पहले तो वाहन की गति कम होगी, उसके बाद वाहन चालक संकेतक को समझ पाएगा और फिर भी अगर वाहन असंतुलित हो जाए तो गार्ड रेलिंग की वजह से वाहन सड़क की दूसरी तरफ पलटने से बच पाएगा। वाहन खरीदते समय छोटे शहरों के ज्यादातर ग्राहकों की डिमांड का झुकाव वाहन में सुरक्षा की बजाय माइलेज की तरफ ज्यादा रहता है, जिस कारण वे भविष्य में वाहन के साथ साथ दूरगामी खतरों को भी सुनिश्चित कर लेते हैं। इस संदर्भ में रतनगढ़ शहर के ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट आशुतोष शर्मा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। फोर व्हीलर है तो एक तो गाड़ी चीपेस्ट के अंदर एक एसी होना चाहिए गाड़ी के अंदर और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो होना चाहिए, बाकी कोई सेफ्टी से मतलब नहीं कस्टमर को। हाँ, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो तो एयरबैग्स वगैरह की सारी के फीचर्स की इंक्वायरी करता है पूरी, लेकिन जो आज से कुछ टाइम पहले ओल्ड सेगमेंट था उसके अंदर ओनली गाड़ी एसी होनी चाहिए, पावर स्टीयरिंग होनी चाहिए, बेसिकली यही नॉलेज होता था उनको। एयर ब्रेक एंटी ब्रेकिंग सिस्टम इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता था। 99% नाइट चांस रहते हैं इसके बचने के, अगर गाड़ी में एक डबल ABS हो और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो तो आदमी के बचने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें। और अगर नॉर्मल कार होती है तो फिर तो इंजरी जो होनी है तो होगी नहीं, बाकी एयर ब्रेक खुलने से कि आदमी की जान बच जाती है, कुछ चोटें आती है बाकी जान बच जाती है। सबसे पहले अपने RTO से जारी गाइडलाइन के अनुसार कुछ बुक प्रिंट हुई है, उसका प्रयोग करें पहले गाड़ी ड्राइव करने से पहले। उनके नियमों को जाने कि क्या रोड सेफ्टी के क्या नियम होते हैं, क्या इंडिकेट्स होते हैं उसके, इसका क्या फ़र्क पड़ता है, वो पहले जान ले तो क्या है कि एक्सीडेंट की संभावना कम रहती है। कृपया आप गाड़ी ड्राइव करें तो 4 व्हीलर सीट बेल्ट और हेलमेट ज़रूर लगाएं। 2 व्हीलर अगर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाने से क्या जो धक्का लगना है मतलब एक्सीडेंट के टाइम वो धक्का सिर नहीं फटेगा उससे और जो अपनी बॉडी है वो बंधी भी रहेगी। भाई मेरी तो यही राय है कि अभी अगर कार कैपेसिटी आपकी 3-4 लाख तक की है तो कुछ उसको इंक्रीज़ करके एंटी ब्रेकिंग सिस्टम और कम से कम एक उसमें एयरबैग हो ये जरूर कैपेसिटी रखें आप और वही कार लें। जो बिलो रेट की कारें आ रही है जिसमें फीचर्स ना हो तो कृपया इसको स्किप कर दें कुछ दिनों के लिए। अगर लें तो वो जो जिसमें ये मैं बता रहा हूँ एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ABS वगैरह ये आप जरूर यूज़ करें उसका। जयपुर और रतनगढ़ की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में सड़क और वाहन सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप खुद वाहन चलाते हैं तो आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती आपके खुद के और वाहन में बैठे यात्रियों के साथ साथ सड़क पर चलते लोगों की जान भी खतरे में डालती है। भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रयास एक स्तर पर आकर असफल हो ही जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर आम जन का खुद जागरूक होना अपेक्षित है। वाहन में माइलेज की बजाय सुरक्षा को पहले पायदान पर रखें और वाहन में मिलने वाले सुरक्षा इंतजामात को उपयोग में लाने की भी आदत बनाएं। इसके साथ ही सड़क के किनारे लगे यातायात संकेतों को समझते हुए उनका पालन करना भी अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आप एक नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में बिना सुरक्षा विशेषता वाला एक असुरक्षित वाहन खरीदकर अपनी जान की कीमत कम कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि एक सुरक्षित वाहन खरीदकर आप खुद अपनी और अपने वाहन की उम्र बढ़ाने में मदद करें। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि जान है तो जहान है।